नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? उम्मीद करता हूं आपका पेपर आश्रम पद्धति का जो पेपर है वो आपका ठीक हुआ होगा। वो पेपर आपका ठीक हुआ होगा। स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है ना? देखो बेटा जी, तो ये चलिए देखिए, आज हम लोग, मैं डॉक्टर सिन्हा सर, दोनों लोग जो है एक साथ ही सॉल्व कर देंगे। पहले क्या होता था, मैं सॉल्व करता था, फिर सिन्हा सर सॉल्व करते थे, अब की बार दोनों लोग साथ साथ हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें मनोरमा पटेल जुड़ गई है, वंदना शर्मा है, सोनू है, वंदना शर्मा, और क्या हाल है बेटा जी, अंकित शुक्ला है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा जी। पहला सवाल डॉक्टर साहब का है, देखिए। नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। आश्रम पद्धति में हम लोग आज पेपर के लिए सॉल्व कर लिए हैं। तो जिस टाइप से ये सीक्वेंस पे हम लोग बुकलेट सी को डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग बुकलेट सी को डिस्कशन कर रहे हैं, और 41 पर जो क्वेश्चन है वो जूलॉजी का क्वेश्चन है, इसलिए हम जूलॉजी की बात करेंगे। और फाइलम पोरिफेरा से है, तो यहाँ पर देख सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलम पोरिफेरा। ध्यान देना है आपको नॉट पर, नॉट ए करेक्टरिस्टिक कहा यहाँ पर, तो दे बियर टू टाइप ऑफ पोर, तो ये तो इसका सही होगा, स्पंजी सही होगा, ए सिलोमेट्स और दे आइदर ओविपेरस और विविपेरस, यही यहाँ पर नॉट करेक्ट होगा, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो 41 पर डी हो जाएगा, और बकाया के जो क्वेश्चन है वो भी बॉटनी की सीक्वेंस में है, तो आप उस बॉटनी की सीक्वेंस में आएंगे प्लीज। अब 42 नंबर क्वेश्चन बेटा, 42 नंबर क्वेश्चन में लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज इज कॉज्ड बाय फाइटोप्लाज्मा, सीधे सीधे है माइकोप्लाज्मा भी लिखा जाता है बेटा, फाइटोप्लाज्मा भी। तो इसका ऑप्शन क्या चला गया आपका, आपका सी, 42 का सी चला गया। अब आगे 43 का जो है जूलॉजी का सिनासर बताएंगे, ये 43, 44 और 45 तीन डॉक्टर साहब के। क्वेश्चन नंबर 43, नॉट ए फ्लाइट मसल, तो फ्लाइट मसल में ये आपकी पेक्टोरस मेजर ये भी है, और कैरेको ब्रैचियल भी है, गैस्ट्रोनिमियस नहीं है, ये जंगे की मांसपेशी होती है, तो गैस्ट्रोनिमियस यहाँ पर नॉट के लिए आंसर हो जाएगा। और अब हम लोग 44 पर चलेंगे, 44 को देखिए, हाँ 44 पर, 44 पर ये, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल नेवर रीजनरेट, रीजनरेशन पावर कह रहा है कि नहीं पाई जाती है, या वेरी पुअर यहाँ पर होती है, या नहीं होती है ऐसा कहा। तो जितना एनिमल लोअर होता है, जैसे हाइड्रा है, प्लेनेरिया है, लीच है, यहाँ पर रीजनरेशन है, और न्यूट यहाँ पर आंसर हो जाएगा नॉट ए रीजनरेशन में। और 45 पर हम लोगों को है लार्जेस्ट एंड फ्लाइटलेस टू टूट बर्ड्स इज, तो लार्जेस्ट भी है, फ्लाइटलेस भी है, टू टू भी है, तो इसके लिए हम लोग ऑस्ट्रिच पर चलेंगे। और फिर इसके बाद 46 पर जो है क्वेश्चन, उसके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और ये प्लांट्स के लिए आ जाता है। मैं बता रहा हूं थोड़ा सा इसको, ये 46 आप देखें, ये बॉटनी का क्वेश्चन है बेटा, इसमें मिला लीजिए आपका, देखिए क्लैडोर है, क्लैडोर कहां पाया जाता है, रस्कस में, एक का दो हो गया, फिल्लोड पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया गैसिया में, तीन हो गया, फिल्लो क्लैड पाया जाता है अपंशिया में, एक हो गया निमेटोफोर पाया जाता है राइजोफोरा में, तो ये चार हो गया। तो देखिए 2 3 1 4 आपका कहां आ रहा है, ये पहला आ रहा है आपका 2 3 1 4, इसका सही क्या हो गया, आपका पहला ऑप्शन सही हो गया। तो 46 का बेटा फर्स्ट सही है। अब आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका,
ये देखिए, अब 47 का देखिए बेटा इरगॉट है, आपको पता है इरगॉट कौन काज करता है, क्लेविसेप्स, इरगॉट अपराई क्लेविसेप्स परप्यूरिया, मैंने लिखवाया था। तो 47 का बेटा क्या हो गया आपका, ये ऑप्शन सी डी ऑप्शन सही हो गया। अब आगे नेक्स्ट है 48 का, वो डॉक्टर साहब का है। 48 क्वेश्चन में ये मैचिंग कराई गई है, लिस्ट वन लिस्ट टू से ये मैचिंग चल रही है, तो इस मैचिंग में आपको देखना होगा। मैचिंग के लिए गैस्ट्रोपोडा, पॉलीचीटा, इंसेक्टा और होलोथ्यूरी दिया है, इधर से लेपिस्मा और कुकुमेरिया, नेरिस और पाइला। तो गैस्ट्रोपोडा में ये आपका 4 हो जाएगा, पॉलीचीटा का आपका 3 हो जाएगा, और इंसेक्टा का आपका लेपिस्मा विंगलेस इंसेक्ट है, और होलोथ्यूरिया का कुकुमेरिया हो जाएगा जिसको सी कुकुम्बर बोलते हैं। इस टाइप से 4 3 1 2 ये आंसर, 3 4 1 2 डी आंसर हो गया। 4 3 1 2 तो 4 3 1 2 सॉरी 4 3 1 2 ये बी आंसर हो जाएगा। सॉरी ये आंसर थोड़े चेंज करने हैं हमको, गैस्ट्रोपोडा में, गैस्ट्रोपोडा में ये आपका हाँ गैस्ट्रोपोडा वाइवल्विया ठीक है, ये आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है बी आंसर हो जाएगा। ये गैस्ट्रोपोडा में पाइला है, पॉलीकीटा में आपका नेरिस है, इंसेक्टा में लेपिस्मा है, होलोथ्यूरिडिया में कुकुमेरिया, इस टाइप से आंसर हो जाएगा। पूरा मैच आपको करा दिया गया है, तो ए में आपका गैस्ट्रोपोडा 4 और बी में आपका पॉलीकीटा के लिए नेरिस और सी में इंसेक्टा के लिए लेपिस्मा और डी में होलोथ्यूरिडिया के लिए कुकुमेरिया, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मैच आप करेंगे तो 4 हो गया। हाँ इसका 4 हो गया बेटा, नहीं 4 कहाँ हुआ, हाँ तो 2 4 3 1 2 साफ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर यार क्वेश्चन, लेकिन इस पर मुहम्मद तो दिख रहा साफ। अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, ये 49 पर चलना है आपको, 49 पर। 49 का बेटा ये आपका कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, ये दिया सवाल का कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली डिजीज काज होती है अश्लागो होल्डाई से, तो 49 का आपका आंसर हो गया क्या, सी हो गया बेटा, 49 का आंसर सी हो गया। स्क्रीन पर साफ नहीं दिख रहा, ब्लूइश कलर का दिख रहा है, तो ब्लूइश आ रहा है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 50 जो होगा इस पर तो वो हाइड्रा से है, क्वेश्चन नंबर 50 हाइड्रा से, ग्रीन कलर ऑफ हाइड्रा। तो एनिमल में कोई भी पिगमेंट्स होता नहीं है, जैसे कि आपका पैरामीशियम का भी सवाल आता है, और जूम कर लीजिए बच्चे कह सकते हैं हाइड्रा का भी सवाल आता है, तो ग्रीन कलर ऑफ हाइड्रा ये सिम्बायोटिक यूनिसेलुलर हो गया, टॉपिक क्लियर हो गया, इसको आप सिम्बायोटिक ग्रीन एल्गी ज्यूक्लेरोला, ये यूनिसेलुलर है, सारी चीजें हम लोगों ने इसको क्लास में डिस्कस की थी, तो इसका ये 50 में आपको डी करना होगा, और 51 थोड़ा बॉटनी के लिए है, सर के पास चलेंगे। 51 का बेटा देखिए, द कॉमन फंगल डिजीज आपका रिंग वर्म है, ये टाइफाइड, कॉलरा, प्लेग, तीनों बैक्टीरियल डिजीज है बेटा, तो 51 का जो हो गया ये आपका बी ऑप्शन सही हो गया। रिंग वर्म मोस्ट कॉमन डिजीज है, किसकी, फंजाई की, फंगल डिजीज है, ठीक है। आगे नेक्स्ट 52 डॉक्टर सर बताएंगे उनका है सिनासर का। 52 पर ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के लिए है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन ये देखिए, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इन फ्रॉग, क्योंकि फ्रॉग पानी पर रहते हैं, तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होगा, इसका काम प्रोटेक्शन एंड मॉइस्चराइजिंग ऑफ आई, ये फंक्शन होता है, वेस्टिजियल है नहीं, फोकसिंग है नहीं। सोनू बेटा बिल्कुल सही दिख रहा है, दिख रहा है आपको, क्लियर देखिए आप। 52 पर ए आंसर आपको करना होगा, और ये हम लोग अब नेक्स्ट पेज पर 52 से आगे चलते हैं।
53 क्वेश्चन नंबर देखिए, ये 53 53 प्लांट से है, इसको देखिए। इसमें बेटा देखिए, पहले आपको दो आप मिला लीजिए, कार्टन ग्लू देखिए है, कार्टन ग्लू जो होता है ये आपको पता है किसके लिए होता है, ये फंगल हाइफी के लिए, फंजाई के लिए। तो सी का 4 हो गया, सेफ्रेनिन पता है बेटा लिग्निन के लिए होता है, तो ये 2 हो गया। अब इसमें देखना है कि ये आपका टारुइडीन ग्लू किसके लिए होता है, तो ये आरएनए के लिए होता बेटा, ये 3 हो गया। और ये आपका ऑस्मियम टेट्राक्साइड ये फैट्स के लिए होता है, तो ये आपका बेटा क्या हो जाएगा आंसर, देखिए 3241 3241 ये 3241 ये हो गया बेटा, इसका आंसर मतलब बी हो जाएगा, ठीक है। अब 54 फिर डॉक्टर के साहब के पास चलेंगे। 54 क्वेश्चन नंबर 54 थोड़ा बहुत ही कह सकते हैं सिंपल टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि क्वाइक्लोथर्म्स है और होमोथर्म्स है, तो क्वाइक्लोथर्म्स कोल्ड ब्लडेड है, होमोथर्म्स आपके वार्म ब्लडेड है, तो वार्म ब्लडेड में दो ही आते हैं, एवीज प्लस मैमल्स। तो अब आप देखिए मैमल्स एलिफेंट मैमल्स है, सरुपी मैमल्स है, और वाक जो है आपका एवीज है, और लिजर्ड्स आपका रेप्टाइल है, इसलिए 54 में क्वाइक्लोथर्म्स के लिए हम लोग आंसर बी को करेंगे। आप 55 पर चलते हैं आगे की तरफ। अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है 56 में देखिए अल्कलॉइड कोल्चिसिन, आपको पता बेटा ये कोल्चिकम से मिलता है, कोल्चिकम ऑटम नेल, और ये लिलिएसी फैमिली का मेंबर है, लेकिन इसे पूछ लिया कि किससे मिलता है, ये ड्राइड कॉर्न से मिलता है कि ड्राइड फ्लावर्स की ड्राइड सीड से कि ड्राइड फ्रूट से, ये ड्राइड कॉर्न से मिलता है बेटा, इसका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 56 का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो 57 है वो डॉक्टर साहब बताएंगे ज़ूलॉजी का है। हम लोग 57 पर हैं और 57 को थोड़ा सा देखना होगा हमको, हम ऊपर कर लेते हैं इसको। 57 और 58 और 59 भी उसी सीक्वेंस में आपके लिए हो जाएगा। तो ये देखिए 57 में देखना है ब्लड ग्लैंड्स फाउंड इन, ब्लड ग्लैंड्स कहां पर किस एनिमल में पाई जाती है, ये फेरिटिमा पोस्टमा का क्वेश्चन है, और 4, 5, 6 सेगमेंट पर पाई जाती है, तो इसके लिए हम लोग आंसर को बी आंसर करेंगे, ब्लड ग्लैंड्स, हां ब्लड सेल्स के लिए प्रोडक्शन के लिए ब्लड ग्लैंड्स यहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट बीट इज अंडरगोज द कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग, हार्ट बीट मोस्टली नॉट कंट्रोल, दैट इज मायोजेनिक हार्ट, मांसपेशियों से रेगुलेट होता है, ऑटोनॉमिक ऑर्गन्स में आता है, लेकिन अगर कहीं अंडर कंट्रोल की बात करें तो न्यूरॉन्स और हार्मोन्स मीन नर्व्स एंड हार्मोन्स बोथ द कंट्रोल द हार्ट बीट, इसलिए बोथ आंसर, ये आंसर नंबर डी हो जाएगा। बाइनोमियल सिस्टम आपके लिए बहुत पुराना है, स्पेलिंग थोड़ा सा कैरोलस लिनियस ना लिखकर कार्लिनियस लिख करके आपको थोड़ा परेशान करने की कोशिश की गई है, कोई बात नहीं, आप लोगों ने सही किया होगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो 59 आपका सी हो गया, सी हो गया, 58 आपका डी हो गया, अब 57 आपका बी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पर चलते नेक्स्ट पेज पर चलते, ये हो गया और दो क्वेश्चन कम से कम हो गया। देखिए बेटा दिया क्या है, इन 1967 ठीक है, इन 1967 डाइनर एंड, आपको पता जब डाइनर आ गया बेटा, जब डाइनर आ गया बेटा पोटैटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज आ गई पीएचडी, तो आपको पता है केवल न्यूक्लिक एसिड है,
आईएफ नो प्रोटीन, कैप्स प्रोटीन नहीं है, तो आपको पता है बेटा क्या हो जाएगा, ये वायराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वायराइड। टीओडाइनर, टीओडाइनर ने डिस्कवर किया था पोटेटो स्पिंडल ट्यूमर डिजीज, और वो क्या होता है, नेकेड आरएनए होता है, उसमें प्रोटीन कोट नहीं होती। ये आपका वायराइड है बेटा, ये क्या है, वायराइड है। ठीक है, आगे नेक्स्ट 61, इधर के डॉक्टर साहब बताएंगे। 61 एक मस्कुलर मेटाबॉलिज्म का ये क्वेश्चन है, आवाज साफ ला। 61 में मस्कुलर कंट्रक्शन का है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ एटीपी फ्रॉम फॉर मसल मसल कंट्रक्शन, मांसपेशियों के संकुचन में किससे आपको एटीपी प्रोड्यूस होती है, तो एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर जब कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन खासकर कंट्रक्शन के लिए है तो क्रिएटिन फास्फेट है, और एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन एनएरोबिक से भी होती है, लेकिन एरोबिक में यहाँ पर ज्यादा आंसर होगा और आर्जिनिन होगा, तो यहाँ पर आंसर बेस्ट आंसर, यहाँ पर दो टाइप के आंसर आपको बनते हैं, बी और डी, बी और डी आंसर बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पर आंसर को बी करेंगे, आपको ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर डाउट रहेगा कमीशन के लिए। दो हो गया, ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने सेल न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो ये 4 हो गया, और स्लाइडर एंड स्वान ने डिस्कवर किया था सेल थियरी को, तो ये 1 हो गया। अगर केवल आप सेल थियरी भी जानते बेटा तब भी आप सवाल लगाते थे, देखिए क्या डी का 1 सेल थियरी, 1 केवल एक जगह है बेटा, तो अगर आपको केवल एक पता होता सेल थियरी गिवन बाय स्लाइडर एंड स्वान तब भी आपका सवाल सही हो जाता। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, 62 का आपका डी ऑप्शन सही हो गया, 62 का डी, एक भी रहता तो आप कर ले जाते बेटा। अब इसके बाद 63 डॉक्टर साहब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 63 एक कह सकते हैं प्लेन क्वेश्चन रन कराया गया कि करेक्टली बैच और साइंटिफिक नेम एंड कॉमन नेम ऐसे यहां पर दिए गए हैं, तो आप स्पोलियोडॉन को डॉगफिश बोलते हैं, स्पोलियोडॉन डॉगफिश बोलते हैं, बकाया यहां पर कोई भी करेक्टली मैच नहीं है, इसलिए हम लोग स्पोलियोडॉन डॉगफिश आंसर के करें। और इसके बाद एक डबल फर्टिलाइजेशन है, ये बिल्कुल आसान, डॉक्टर लगा दीजिए, ए है नवासिन, एशियन नवासिन, हम लोगों ने आपको एशियन नवासिन ने 1898 डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था, डिविनिसेशन, तो यह हो गया आपका 64 का क्या हो गया, नवासिन हो गया, ए हो गया। अब आगे नेक्स्ट 65, ये देखिए बेटा क्या है 65 का, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय, आपको पता है अल्बिगो कैंडिडा, और अल्बिगो कैंडिडा को हम बेटा सिस्टोपस कैंडिडस भी कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला वाला हो गया ए, 65 का ए, सिस्टोपस कैंडिडस, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। 66 डॉक्टर साहब बताएंगे, देखिए ये एक क्वेश्चन जो आने का सिद्धांत में है, लार्वा से भी एक क्वेश्चन आएगा, तो ये लार्वा का एक क्वेश्चन आ गया, स्पोरोसिस्ट लार्वा किसका है ये पूछ लिया गया है, तो स्पोरोसिस्ट लार्वा के लिए हम लोगों ने एक सीक्वेंस यहाँ पर लिवर फ्लूक में पढ़ा था, जिसको हम लोगों ने मिसिस आरसी मुखर्जी इस टाइप से पढ़ लिया था, मिसिस आरसी मुखर्जी जिसमें मीरासीडियम स्पोरोसिस्ट रेडिया सर्केरियन मेटासीरिया, और ये रखा हुआ है स्पोरोसिस्ट लार्वा लिवर फ्लूक का, तो इस टाइप से ये भी बता दीजिए, ये देखिए मैक्सिमम कार्बन रिजर्वायर आर फाउंड इन ओशन में पाया जाता है, मैक्सिमम कार्बन रिजर्वायर ये ओशन में है, सर्वाधिक कार्बन भंडार पाया जाता है
तो महासागर में ओशियन और आप 60 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 67 भी बता दीजिए, 67 हो गया, 66 हो गया, 67 हो गया, 68 में ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि ट्रू सीलोम आपकी दो ही होती है, ट्रू सीलोम आपकी दो होती है और कौन कौन सी होती है, एक साइजो सीलोम होता है और एक इंट्रो सीलोम होते हैं। इंट्रो सीलोम में आपको मिलता है गाइनोडर्मेटा और मिलता है आपको हेमिकार्डेटा और मिलता है आपको कॉर्डेटा, और साइजो में मिलता है आपको एनिलिडा और मिलता है अर्थ्रोपोडा और मिलता है मोलस्का। कुल मिलाकर आपके पास सी आंसर सही हो गया है साइजो सिलोमेटा के लिए। प्लेटेल मेंथीज में है नहीं, एस्केल मेंथीज में है नहीं, और अर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोरोमेटा इधर के लिए आ जाएगा, इसलिए हम लोग आंसर बी करेंगे। अब 69 में देख लीजिए, मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गन स्टिमुलेटेड बाय कांटेक्ट विद सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये देखिए आपका हेप्टोट्रोपिन होता है, इसको थिग्मोट्रोपिन भी कहते हैं बेटा, थिग्मोट्रोपिन में भी कहते हैं। तो आपका क्या हो गया, ये आपका 69 का क्या हो गया, ए सही हो गया, 69 का ए सही हो गया। आपको पता बेटा, मैंने बताया था कि थिक वॉल एंड नॉन मोटाइल वो हिप्नोस्पोर्स होता बेटा, हिप्नोस्पोर्स वो पाया जाता है यूरोथ्रिक्स में, लेकिन यहाँ कोई ऐसा ऑप्शन देखिए नहीं बेटा, इसमें एक मेनोस्पोर है, थिन वॉल्ड होता है और ये जाइगोस्पोर, ये तीनों ये चारों चीजें जो आ रही हैं, तो इसमें आंसर मेरे समझ से हिप्नोस्पोर होता है बेटा, तो हिप्नोस्पोर कोई नहीं दिया हुआ बेटा, इसलिए मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। अब देखिए आयोग क्या इसको मानता है, क्या बोनस करता है सवाल को कि कोई जवाब नहीं है, या जवाब देगा तो बताया जाएगा बेटा। तो 670 नंबर का ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया बेटा, मेरे जानकारी में जो है वो हिप्नोस्पोर होना चाहिए, क्योंकि हिप्नोस्पोर को हम कहते हैं थिक वॉल एंड नॉन मोटाइल स्पोर्स, यूरोथ्रिक्स में पाया जाता है, वहां ये ही दिया बेटा। तो इसका जो मेरे समझ से हो गया क्या, क्वेश्चन मार्क लगा दिया 70 का। अब आयोग क्या मानता बेटा तो बाद में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 71 है, जूलॉजी का डॉक्टर साहब बताएंगे। 71 एक कह सकते अम्बिलिकल कॉर्ड का क्वेश्चन है, और अम्बिलिकल कॉर्ड जो बनी होती है वो वाल्टन्स जेली से बनी होती है, बहुत ही अच्छा काम या कह सकते हैं या चालाकी का काम एग्जामिनर ने किया है आपको परेशान करने के लिए और समझाने के लिए। वाल्टन्स जेली अगर किसी को नहीं याद है तो बाल्टन्स जेली भी देने की कोशिश की है और कॉल्टन्स जेली भी देने की कोशिश की है, किसी को जेली याद है इसने पूरा काम अपना कर लिया है। और यहाँ का एक गिफ्ट आइटम हम आपको बता देते हैं, वाल्टन्स जेली में 2 RT और 1 VN होती है, हम लोग आने वाले टाइम के लिए किसी भी आगे एग्जाम के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 71, और अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।72 में देखिए बेटा क्वेश्चन ये रिपीट किया हुआ है, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है ये। स्किन का है, स्किन में आपके पास दो लेयर होती है, इसको इपीडर्मिस और डर्मिस बोलते हैं। तो इपीडर्मिस में 5 सब लेयर होती है जिनको C L G S M बोलते हैं,
CLGSM, ये इसका करेक्ट सीक्वेंस आउटर टू इनर लेयर के लिए होता है, और मेल्पिजाई को ही जर्मिनेटवर्म बोलते हैं, तो स्किन की जितनी भी डेरिवेटिव्स होती हैं, वो सब की सब जर्मिनेटवर्म से होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ इंटेगुमेंट गिव राइज टू अ ग्लैंड्स केराटिन स्ट्रक्चर इन रैबिट, मींस जितने भी ग्लैंड्स हुई या केराटिन नाखून बाल खुर सींग हुए, सब के सब जर्मिनेटवर्म से बनते हैं, मेल्पिजाई से बनते हैं। तो यहाँ पर स्टेटम जर्मिनेटवर्म मींस बी आंसर सही हो जाएगा। इसका एक सिनोनिम्स मेल्पिजाई का दूसरे लैंग्वेज में दिया है। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 74 का, बॉटनी का है। ये देखिए आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पाइसेस इज नोन एज ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया। ये तो आप नहीं जानते, तुक्का भी मार देते। स्पाइसेस मसाला ब्लैक गोल्ड, ये काली मिर्च होता बेटा, और काली मिर्च को ब्लैक पेपर कहते हैं, पाइपर निग्रम कहते हैं बेटा। तो ब्लैक पेपर इसका जवाब चला जाएगा। तो 74 का क्या हो जाएगा बेटा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्लैक पेपर। आगे देखिए, कोकीन यील्डिंग प्लांट इज, तो ये क्या बेटा आपका इरिथ्रोजाइलम है, इरिथ्रोजाइलम है। तो 75 का ए हो गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 76 का आपका, डॉक्टर साहब का है, देखिए ये 76 क्वेश्चन नंबर 76 कह सकते हैं फंक्शन के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा पुराना है। इसको जहां भी ये नाम आता है, जिसका नाम गिजार्ड होता है, गिजार्ड को हिंदी में हम लोग पहली की क्लास में पढ़ते चले आए, पेशणी बोलते हैं, पेशणी। पेशणी का मतलब होता है भोजन पीसने का काम करता है गिजार्ड। तो यहाँ पर आपका ग्राइंडिंग ऑफ फूड, ये आंसर डी सही हो जाएगा। भोजन पीसने का कार्य मींस गिजार्ड का पिसन में क्या काम होगा, तो ये ग्राइंडिंग आपके लिए होगा। थैंक यू। ये आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें 77 में देखिये, इसमें बहुत ही विवाद बेटा। How many types of food waves are found in nature? फूड वेव पूछ रहा बेटा, फूड चेन मत समझिएगा। फूड चेन होता तो आपका ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रिटस फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन, ये फूड वेव पूछा गया है। तो बेटा कहीं दो मिलता है, कहीं चार मिलता है, लेकिन रॉबर्ट पैने, मैं देख रहा था, रॉबर्ट पैने एक इकोलॉजिस्ट है, वो कहते तीन है बेटा, कि तीन होता है। तो दो चार और तीन भी मिलता है, इसलिए इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं कि आयोग देखिए इसका क्या जवाब देता है। लेकिन अगर बहुत देखा जाए एथेंटिक, रॉबर्ट पैने के अनुसार देखा जाए तो तीन ही है। तो मैंने बता दिया, रॉबर्ट पैने ने तीन बताया था बेटा, ठीक है। लेकिन कहीं दो भी मिलता है, कहीं चार भी मिल जाता बेटा, लेकिन रॉबर्ट पैने, याद रखिएगा मैं बता रहा हूं आपको, रॉबर्ट पैने इकोलॉजिस्ट थे, इनके अनुसार ये तीन होता बेटा, सी वाला ऑप्शन है। लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चन मार्क आपको बता दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया बेटा, अपने को सेफ रखने के लिए, ठीक है। आयोग जो कहेगा हम लोग देखेंगे। दो क्वेश्चन में यहां ये चीजें थे, भ्रम है। आगे नेक्स्ट डॉक्टर साहब बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 78 को हम लोग देखेंगे, और 79 दोनों क्वेश्चन एक साथ देखना है यहां पर जियोलॉजी के लिए। 78 में बाइवाल्व मींस ये मोलस्का हो गया, बाइवाल्व Which structure secrete pearl, मोती कौन बनाता है? तो मोती बनाने के लिए नेकर लेयर होती है और नेकरस लेयर होती है, नेकर लेयर होती है, जो कि फॉरेन पार्टिकल के अंदर जाने पर उसके चारों तरफ एक सिक्रीशन करता है, उसी को हम लोग पर्ल बोलते हैं। इसलिए आंसर हमारा सी हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आता भी रहता है, लगातार यहाँ पर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे, किडनी स्टोन जिसको रीनल कैलकुलाई बोलते हैं, ये क्रिस्टल्स होती हैं आपकी, ऑक्जिलेट्स होती हैं, क्रिस्टल्स होती हैं ये। तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 79 में हम लोग साल्ट सच एज ऑक्जिलेट्स क्रिस्टल मींस डी आंसर करेंगे, जो ये ब्लड में पाई जाती हैं और स्टोन में, इस किडनी में स्टोर होकर स्टोन बनाने का काम करती। नेक्स्ट बेटा 79 क्वेश्चन आपका हो गया है, 80 नंबर क्वेश्चन ये देखिए,
आपको पता है 18 नंबर क्वेश्चन, द बेस्ट नोन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इन विच जिम्नोस्पर्म इज केप्ट इन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। आपको पता है डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रख दिया था बेंथम एंड हुकर साहब ने, बेंथम एंड हुकर। तो ये आपका 80 का बेटा जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब बताएंगे 81। को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल वुड लाइकली बी फाउंड इन द टिश्यू लाइनिंग द ऑर्गन्स दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज म्यूकस। म्यूकस जैसे भी नाम आता है तो म्यूकस के लिए हमेशा गोबलेट सेल जानी जाती है। म्यूकस सिक्रेटरी सेल्स जो होती हैं वो गोबलेट सेल्स होती हैं, इसलिए हम लोग आंसर गोबलेट सेल करेंगे। मास सेल सिक्रेटरी सेल होती हैं, मैक्रोफेजिस फैगोसाइट्स होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट मींस बोन फॉर्मिंग सेल होती हैं, तो यहाँ पर रिलीज म्यूकस है इसलिए गोबलेट सेल आंसर ए यहाँ का सही होगा। अब देखिए बेटा इसमें 82 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। आपको पता है बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है एक्स एक्स वाई, 47 क्रोमोसोम नंबर होता है, एक्स वाई होता है मेल के केस में, उसमें एक एक्स और आ जाता है बेटा, तो जो भी दिक्कत होती है मेल के केस में दिक्कत यहां होने लगती है। तो क्या हो गया बेटा इसमें आपका डी सही हो गया, 82 का डी सही हो गया। अब आगे देखिए, इंडिया फर्स्ट सेंटर फॉर वेट लैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट हैज बीन सेट अप इन, ये कहां बेटा, ये आपका बी है, चेन्नई में है। तो आपका 83 का क्या हो गया, बी हो गया बेटा। आगे देखिए बेटा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 84 का, ये देख रहा है इफ ए टैक्सोनॉमिक रैंक एंडिंग विथ ईएई देन इट रेफर्स टू विच स्टेटस, ये चला जाएगा बेटा ट्राइब के पास, बी चला जाएगा। तो ई ए ई कहां आता है, ट्राइब के अंत में लगता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा जी वो आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बास्ट फाइबर। आपको पता है बेटा बास्ट फाइबर सेकेंडरी फ्लोएम से मिलता है, और बास्ट फाइबर का जो एग्जाम्पल हो जाता है वो सनहेम्प भी होता है और वो जूट भी होता है बेटा। तो यहां क्या दिया हुआ, डी ये जूट दिया हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा 85 का ये डी हो जाएगा, जूट हो जाएगा, 85 का जूट हो जाएगा। एट्टी सिक्स क्वेश्चन जो है कह सकते हैं एक टाइप का कुछ बच्चों को परेशान करने के उद्देश्य से बनाया गया। क्या बनाया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैच। तो यहां पर टू चैम्बर हार्ट, ये फिशिस का करेक्ट होता है और एवीज दिया है, अभी तक फिलहाल में यही हो जाएगा। थ्री चैम्बर एम्फीबिया करेक्ट है, थ्री चैम्बर रेप्टिलिया करेक्ट है, फोर चैम्बर मैमेलिया करेक्ट है, तो नॉट करेक्ट के लिए आंसर ए हो जाएगा। ये फिशिस का मछलियों का करेक्टर होता है, एवीज में फोर चैम्बर हार्ट होता है, होमोथर्म्स होते हैं। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 तक पहुंच चुके हैं और ये पेज भी चेंज करना होगा हम लोगों को आगे के लिए। क्वेश्चन भी तो देखना चाहिए और थोड़ा सा, हाँ ठीक दिख तो रहा है। चलिए अब देखिए 87 बेटा है क्या, इन इंडिया विच IUCN प्रोटेक्टेड कैटेगरी इज लार्जेस्ट इन नंबर, सबसे ज्यादा संख्या किसकी है बेटा। तो अगर एनसीईआरटी का डेटा तो बहुत कम देता है, लेकिन एनसीईआरटी में देता है कि 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और 90 नेशनल पार्क हैं और 448 से 450 जो है आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत डेटा कम है बेटा, अब तो 500 से ज्यादा हो गए हैं।
इसमें जो बिल्कुल सही हो जाएगा वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब बी आपका सही हो जाएगा 87 का। 88 का बेटा जो है आइबरी समारा कैंडिटा, ये आपको पता है बेटा ये क्रूसीफेरी का मेंबर है और ये जाइगोमार्फिक होता है। क्रूसीफेरी के मैक्सिमम मेंबर के पास, मैं पढ़ा रहा था, बताया था कि इसको कहिएगा आइबरिस हमारा, आइबरिस हमारा की जगह आइबरिस हमारा, क्योंकि ये बेटा ये क्रूसीफेरी का मैक्सिमम में रेसिम होता है इन्फ्लुएंसेंस, इसमें कोरिम होता है, मैक्सिमम एक्टोमार्फिक होते हैं, ये जाइगोमार्फिक होते हैं, मैंने वहां बताया था, ठीक है। मैक्सिमम फ्रूट जो होता है सिलिकुआ होता है, इसमें सिलिक्यूला होता है। तो कुल मिला के ये किसका है बेटा, क्रूसीफेरी का मेंबर है। 88 का क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, ठीक है। अब 89 डॉक्टर साहब बताएंगे। को देखिए ये प्राण से क्वेश्चन है, पैलियोमॉन का झींगा मछली अर्थ्रोपोडा का मेंबर है ये, आपको सभी लोगों को पता है हम लोगों को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अपेंडिसेस ऑफ प्राण द पोडो ब्रांचेस, ये ध्यान रखनी होगी, प्रोडो ब्रांचेस इज अटैच। तो यहां पर तो क्वेश्चन फिलहाल में आंसर ये सेकंड मैक्सिलिपीड्स के लिए जाता है, लेकिन इसके लिए हमने फार्मूला जो तैयार किया था वो मैक्सिलिपीड्स का किया था, मैक्सिलिपीड फर्स्ट सेकंड थर्ड होती है, और वॉकिंग लेग के लिए किया था, वॉकिंग लेग आपकी 5 पेयर्स यहाँ पर होती है, और जो दूसरा फार्मूला यहाँ पे दिया था आपको इपी, इपी के बाद पोडो, पोडो के बाद अर्थ्रो, और अर्थ्रो के बाद प्लूरो ब्रांचीज में आंसर दिया था। तो यहाँ पर जो पोडो ब्रांचीज है वो सेकेंड मैक्सिलिपीड्स के लिए था, ये यहाँ पर सेकेंड मैक्सिलिपीड्स में 1 पेयर होती है, ये आंसर हो जाएगा। फिलहाल में इसका चार्ट भी दिया गया था, फार्मूला भी डिस्कस किया गया था, तो उम्मीद है कि सभी लोगों ने सही इसको किया गया होगा। और 90 पर आते हैं, 90 जो अंडे का क्वेश्चन है, एक का क्वेश्चन है, एक का भी एक क्वेश्चन आता है, सेंट्रोलेसिथल एक यहाँ पर पूछ लिया है, और सेंट्रोलेसिथल इंसेक्टा का होता है, मीन्स योक इन द सेंटर, योक इन द सेंटर, इसलिए सुपरफिशियल किल्वेज यहाँ पर पाए जाते हैं, सेंटर में योक होने की वजह से हम लोग इसको इंसेक्टा रखेंगे। और बकाया क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे चलते हैं। 91 देखिए बेटा लिख रहा है कि ऑयल बॉडीज, ऑयल बॉडीज आर प्रेजेंट इन द थैलस ऑफ विच ग्रुप, लीवर वर्ड्स में पाया जाता बेटा, ये पहला ऑप्शन आपका सही हो गया, लीवर वर्ड्स हिपेटकोप्सिडा। और 92 में है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, आपको पता बेटा यूरेनियम होता है, थोरियम होता है, प्लूटोनियम होता है, तो कौन नहीं होता बेटा, ये आपका कैडमियम, ये नॉट ए सोर्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, तो इसका जवाब 92 का क्या चला जाएगा बेटा, बी चला जाएगा, ये बी इसका सही जवाब है बेटा, ये गलत हो, ये आपका नॉट कह रहा है, तो कौन सा जवाब जाएगा बेटा, ऑप्शन बी जाएगा, याद रखिएगा कैडमियम, ये बिल्कुल सही है क्योंकि नॉट पूछा है, तो क्या जाएगा, कैडमियम जाएगा बेटा, ठीक है, कैडमियम जाएगा आपका। आगे नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन, हाइपेंथोडियम इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ फ्लावर, आपको पता है हाइपेंथोडियम बेटा पाया जाता है मोरेसी फैमिली का मेंबर है, मोरेसी फैमिली में ये एक प्रकार का इनफ्लोरेसेंस है। अब मोरेसी फैमिली में कुछ मेंबर में एपिगाइनस फ्लावर होता है, कुछ में हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, तो दोनों मिल रहे हैं बेटा, तो हाइपेंथोडियम की जब बात आएगी तो ये आपका चौथा वाला ऑप्शन सही चला जाएगा बेटा, एपी हाइपोगाइनस, तो ये चौथा वाला ऑप्शन सही जाएगा 93 का बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डॉक्टर साहब का है 94 एक ये क्वेश्चन एडाप्टेशन का दिया गया है, अनुकूलन का दिया गया है, कैमल्स आर फाउंड इन एशिया बट रिलेटेड लामास इन द इंडियास, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो ये एक टाइप से ये एडाप्टेशन है और ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंतर्गत आता है, इसलिए हम लोग आंसर यहाँ पर ए लगाएंगे, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और ये 94 के बाद अब हम लोगों को पेज चेंज करना होगा, पेज हम लोग चेंज करेंगे।
अब देखें 95 क्वेश्चन बेटा, इसमें केवल आप एक एक मिला लेते बहुत ही आसान था, आपका मिल जाता, जवाब तो मिल जाता। देखिए क्या है बेटा, इसमें क्लो, ये लॉन्ग है, ये मिलिटेसी का मेंबर है बेटा, केवल ये क्लो जान जाते, लॉन्ग जो होता है वो मिलिटेसी का। तो डी का चार, डी का चार देखिए बेटा केवल एक जगह है, एक आप मिला लेते तो आपका ये जानते हैं लॉन्ग, सब लोग जानते हैं मिलिटेसी का मेंबर है, तो आप मिला लेते बेटा तो ये पहला वाला हो जाएगा। अब देखिए क्या इसमें, ये कार्डेमॉम्स है, जिंजीबरेसी का है, और देखिए ये तेज पत्ता जो है ये लॉरेसी का है, तेज पत्ता लॉरेसी का है, तो ये पहला हो गया, ए का पहला हो गया, और बी का ये आपका सी का तीसरा हो गया पूरा ये था, और ये पाइपरेसी का क्या था, पेपर था, काली वृत्त पाइपरेसी का था, ये दो था, तो ये आपका एक दो तीन, ये चार हो गया, तो एक दो तीन चार कहाँ आ गया बेटा, ये आपका पहला ऑप्शन 95 का सही हो जाएगा। वैसे केवल आप एक लगा देते लॉन्ग जो है मिलिटेसी का, तभी आपका सही हो जाता, बिल्कुल आसान ये सवाल था बेटा, बिल्कुल आसान था 95 का। आगे देखें नेक्स्ट है 96 का, देखिए बेटा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नॉट जब भी ऐसा सवाल है पहले घेर लीजिए बेटा, नॉट एंड एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इनमें से पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, ये है डायग्नोसिस ऑफ पैथोजन, ये करता बेटा एनसीईआरटी की लाइन है ये देखिए आपका प्रीनेटल डायग्नोसिस ये भी करता है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये भी करता है, ये डीएनए रिपेयर नहीं करता, तो आपका 96 का जो ऑप्शन जाएगा सही बेटा वो डी चला जाएगा, तो 96 का डी ऑप्शन सही चला जाएगा। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट है वो डॉक्टर साहब को बताएंगे 97 और 98। 97 को देखना होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिस्टिंक्टिव करेक्टर ऑफ स्पंजिस, मींस डिस्टिंक्टिव करेक्टर्स वो करेक्टर्स होते हैं जो बगैर किसी अपवाद के पाए जाते हैं, उस फाइलम की या उस मेंबर की विशेषता होती है, तो स्पंजिस में देखिए तो यहाँ पर दे पजेसिस नीडोसाइट्स ये गलत हो गया, दे पजेसिस क्वाइनोसाइट्स ये कॉलर सेल है अभी तक सही है, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअल ये गलत हो गया, सेक्सुअल भी पाया जाएगा, और दे आर ऑल फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म ये भी गलत हो गया क्योंकि स्पंजिस मोस्टली मैराइन्स, तो आपका आंसर यहाँ पर करेक्टरिस्टिक फीचर के लिए क्वाइनोसाइट सेल या कॉलर सेल और ये फ्लैजलर सेल के नाम से भी जानी जाती है जो स्पंज के मोस्ट करेक्टर्स हैं, और इसी के साथ में हम लोग 98 को भी डिस्कस यहां पर करेंगे। 98 को देखिए, 98 में हम लोगों के लिए क्या करना होगा, ये मैचिंग का करेक्टर्स दिया गया है, तो जिस स्टूडेंट की ये बुकलेट है बुकलेट नंबर सी, ये डी इन्होंने सही यहाँ पर लगाया है, न्यूट्रोफिल्स जो करती है काम कौन सा करती है, यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स ये डायपेडेसिस तो अमीबोसाइट में किसी भी अमीबोसाइट के लिए हो जाता है, तो यहाँ पर अभी हम लोग इसमें थ्री यहाँ पर लगाएंगे, और ईसनोफिल्स जो होता है वो नंबर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन के लिए होता है, एलर्जी जब होती है तो वहां पर ईसनोफिल्स की नंबर बढ़ जाती है, तो बी में हम लोगों को 4 आंसर करना होगा। जो मोनोसाइट्स होती हैं उनकी जो न्यूक्लियस का साइज शेप होता है वो किडनी शेप है तो ये 2 हो जाएगा, और लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होती है, टी लिम्फोसाइट हो या बी लिम्फोसाइट हो, टी लिम्फोसाइट मोर पावरफुल होती हैं, तो ये 3, 4, 2, 1 जिस स्टूडेंट ने लगाया ये उसका आंसर सही हुआ। और ये डॉक्टर रिचा की बुकलेट है, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट है, ये लगातार क्लास में रहते हैं, बहुत अच्छा, बहुत ही शुभकामनाएं सभी को। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 बहुत ही आसान बेटा, इसमें क्या है, लेकिन इफ ए कलर ब्लाइंड फीमेल, फीमेल क्या है कलर ब्लाइंड बेटा, ये यक्सी यक्सी हो जाएगा, और क्या है मैरिज ए नॉर्मल मेल,
इसका नॉर्मल मेल से इसकी शादी करवा देते हैं एक्स वाई। अब आप देख लीजिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका एक मेल है एक फीमेल, इधर फीमेल मान लीजिए यक्स सी, इधर यक्स सी, इधर यक्स, इधर वाई, ये हो गया यक्स सी यक्स, ये हो गया यक्स सी वाई, ये हो गया यक्स सी यक्स, ये हो गया यक्स सी वाई। तो जितने मेल चाइल्ड हैं बेटा सारे के सारे कलर ब्लाइंड हो जाएंगे, जितने फीमेल चाइल्ड हैं बेटा सारे के सारे कैरियर हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन, देखिए कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरियर डॉटर, इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा बेटा, बी सही हो जाएगा, 99 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा, बहुत ही आसान था, 99 का क्या है बी है। ठीक है, आगे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 100 का देख लीजिए, 100 का देखिए, 100 में क्या है, वाई इन द प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक कल्चर मीडियम समटाइम्स एक्टिवेटेड चारकोल इज एडेड, ये इसलिए ऐड करते हैं बेटा फॉर रिड्यूसिंग टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं डॉक्टर साहब से पूछ के बता देता हूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बडिंग इज कॉमनली फाउंड, मेरे समझ से हाइड्रा होगा डॉक्टर साहब, जी हाइड्रा एक्सटर्नल बड मोस्ट कॉमन है, इसको जेमेशन बोलते हैं, रिजर्वेशन भी है और एक्सटर्नल बड इन फेवरेबल कंडीशन, तो आंसर ये आपका बी, आप ए ए ए हाइड्रा ए चला जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि इसको मैं ही बता देता हूं, सोचिए आप तो तैयारी करते हैं आपको तो पढ़ाया गया है, ट्रॉपिकल प्लांट्स लाइक सुगर केन सो हाई एफिशिएंसी ऑफ CO2 बिकॉज इसमें पाई जाती है क्या, हैच एंड स्लैक साइकिल, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, आपका ए सही हो जाएगा, 102 का ए हो जाएगा बेटा, 102 का ए, अंजनी कुमारी बिल्कुल सही बता रही है बेटा। और आगे देखिए कितना आसान है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ट्री फर्न, ये ट्री फर्न बिल्कुल नोट्स में था बेटा, साइथिया को ट्री फर्न कहते हैं, मैंने साइथिया लिखाया था, आप नोट्स में ट्रेडोफाइटा का पलटिएगा आपको मिल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका बेटा, डी हो जाएगा, साइथिया, साइथिया आपका डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये 103 हो गया, 104 डॉक्टर साहब बताएंगे, ये 104 को देखिए, 104 इन मैमेलियन टेस्टिस एंड्रोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंड्रोसाइट्स कौन पैदा करता है, तो मीन टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं उनके बीच में जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो एंड्रोजिन्स और टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट करती हैं, इसलिए ये आंसर आपका इंटरस्टिशियल सेल अंतराली कोशिकाओं के लिए जाएगा। कुछ लोग कंफ्यूज भले होंगे सर्टोली कोशिका के लिए, तो 104 में सी हो गया और अब नेक्स्ट पेज पर चलना हो गया। देखिए बेटा यहां भी एक आप मिला लेते तब भी आपका हो जाता, जैसे आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में होता है, तो आप देख लीजिए सी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसमें सी देखेंगे तो केवल एक जगह आ रहा बेटा, कुछ करना नहीं था, ये आपका सी हो जाएगा। बाकी भी मैं बता देता हूं आपको, डीएनए रेप्लिकेशन इसके लिए क्या है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डीएनए डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देखिए डी का 2 यहां आ गया। इसके बाद देखिए इसमें आपका ट्रांसलेशन, ये आपका टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के लिए क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा 3, तो ये आपका ए का 3 हो गया, बी का आपका क्या हो गया, ए का 3 हो गया, बी का ए 1 हो गया, तो 3, 1, 4, 2 ये आपका सही हो जाएगा सी। लेकिन एक भी आपका आपको आ रहा था वो बहुत ही आसान, कि ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज के एंजाइम में होता है बेटा, प्रोकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज एक प्रकार का होता है, यूकैरियोट में 3 प्रकार का होता है, ये साइटोलॉजी के पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए वायराइड्स भी आया और प्रियांश भी लेके आया, मैं बार बार कहता हूं वायराइड्स भी आया प्रियांश भी आया, कितना आपको चीजें ये फायदा कर रहा है, इट इज पॉसिबल टू, ये स्टैनले बी प्रूजिनर इन 1982 ये सब लिखवाया गया था बेटा, ये काज का स्क्रैपी इन शीप, दे हैड ओनली प्रोटीन कैप्सिड नो न्यूक्लिक एसिड, आपको पता है इन्फेक्शस प्रोटीन को आप क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं? प्रियांश कहते हैं। इन्फेक्शस न्यूक्लिक एसिड को क्या कहते हैं आप? वायराइड्स कहते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा आपका? प्रियांश हो गया। ये पहला वाला ऑप्शन सही हो गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन 107 नंबर पर है ये क्या है? इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली बाई मीन्स ऑफ द फॉलोइंग। अगर आप इंड्यूस कर रहे हैं म्यूटेशन को आर्टिफिशियली, तो आप करते हैं दोनों चीजों से बेटा, क्या? केमिकल एंड रेडिएशन, बोथ। केमिकल से भी कर सकते हैं और रेडिएशन से भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और आगे देखिए नेक्स्ट 108 क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। 108 में क्या करना है आपको? मिला देना है। इसमें देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कह रहा है नॉट करेक्टली मैच्ड। टोटल स्टेम पैरासाइट कस्क्यूटा है बेटा, आपका इंसेक्टिवोरस ड्रोसेरा है बेटा, पार्शियल स्टेम पैरासाइट लोरेंटस है, और पार्शियल रूट पैरासाइट ये रेफ्लिशिया। ये गलत है बेटा, क्योंकि ये टोटल रूट पैरासाइट है। रेफ्लिशिया टोटल रूट पैरासाइट है और रेफ्लिशिया में लार्जेस्ट फ्लावर भी होता है। तो ये आपका गलत हो गया। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा? इसका डी चला जाएगा। अब आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ये देखिए नॉट करेक्टली मैच्ड, ट्रेबेकुली एंडोडर्मिस, ये पाया जाता है स्टेम ऑफ सिलेजनेला, ये सही है बेटा। जामिया पिग्मिया, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, ये भी सही बेटा। साइकस रिवोल्यूटा, विंग्ड पॉलन ग्रेन, ये गलत है बेटा, क्योंकि विंग्ड पॉलन ग्रेन पाया जाता है पाइनस में। मैंने लिखवाया था बेटा, डायग्राम भी बनाया था कि विंग्ड पॉलन ग्रेन पाया जाता है। तो इसका पूछ रहा है नॉट करेक्ट, तो ये सी चला जाएगा। 109 का सी चला जाएगा बेटा, 109 का सी चला जाएगा। अब 110 लाइए ना, 110 लाइए, अभी अगले पेज पे चले गए आप। चला गया आगे, नहीं आगे तो नहीं है, देखिए कोई आगे पेज है। हाँ 105, आ गया। ये देखिए बेटा 110 का जो क्वेश्चन, ये थोड़ा हम लोगों को भी काफी परेशान किया बेटा, क्योंकि कह रहा है स्पीसीज दैट मेंटेन कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटीज, ये सवाल है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रहा था, डोमिनेंट स्पीसीज और कीस्टोन स्पीसीज, ये दोनों तो थे ही नहीं। लेकिन बाद में हम लोग देखे कि जब मेंटेन, ये मेंटेन्स कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटीज, तो ये की स्टोन स्पीसीज चला जाएगा। तो 110 का बेटा डी सही हो जाएगा। आगे देखिए क्या इसमें, एन एग्जांपल ऑफ इन्यूक्लेटेड सेल इन प्लांट्स। प्लांट में इन्यूक्लेटेड क्या होता है बेटा? ये आपका ए मेच्योर सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम। न्यूक्लियस नहीं होता, तब भी कंपेनियन सेल कहता है कि बहना आपको सिस्टर सेल दोनों है, आपको सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल दोनों सिस्टर सेल है। तो कंपेनियन सेल कहती बहना आपको चिंता करने की बात नहीं है, मेच्योरिटी के समय जब आपके पास न्यूक्लियस नहीं होगा तो मेरा न्यूक्लियस मेरी एक्टिविटी के साथ साथ आपकी एक्टिविटी को भी रेगुलेट कर देगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 111 का डी चला जाएगा। ठीक है 112 डॉक्टर साहब बताएंगे। क्वेश्चन में जो मैच के साथ साथ नॉट करेक्टली मैच, थोड़ी सी इस टाइप के तरफ एग्जामिनर ने कोशिश की थी, लेकिन यहाँ मैचिंग का हम लोग कर रहे हैं। मैचिंग में दिया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, स्पिनोडॉन, स्पिनोडॉन टाउटारा है जो कि रेप्टिलिया का मेंबर है और ये कह सकते हैं लिविंग फॉसिल है, इसलिए इसका थ्री हो जाएगा। बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स बताया गया, इसलिए ये फोर हो जाएगा। डार्विन फिंचेस आपकी गैलापागोस आइसलैंड में है, इसलिए ये आपका बी हो जो टू हो जाएगा। और मीसोसोरा एस ऑफ रेप्टाइल्स हो जाएगी, इसलिए ये वन हो जाएगा। 3421 बी पर सही आंसर लगा हुआ है, डॉक्टर साहब ने सही लगाया है।
ठीक है। अब हम लोग 112 से आगे की तरफ चलते हैं 113 पर। ये देखिए डॉक्टर साहब भी बता देंगे, मैं बता दे रहा हूं। 113 के देखिए साइकस, आप बोले साइकस इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वैस्कुलर बंडल। इन साइकस इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन रैकिस में पाया जाता बेटा। तो इसका पहला हो जाएगा आपका क्या, रैकिस। यहाँ पर नेल्स जो होगा वो अंगुस बोलते हैं उसको, और नेल्स के पीछे का जो एरिया होता है वो सब अंगुस बोलते हैं। जब आप नाखून खुर पढ़ेंगे तो ये चीज यहाँ पर मिलती है, तो ये ए में आपका 4 हो जाएगा। टॉन्सिल्स जो होती है वो लिम्फोसाइट्स होती हैं, और जो वैलेट फैलिंग्स होती है वो टंग्स में होती है, ये आपका 3 हो जाएगा। और 2 बचा आपका स्प्लीन के लिए, ट्रेबिकुली के लिए, तो ये आपका 4 4 1 2 3 ये आंसर सी हो जाएगा। और डॉक्टर साहब भी सही लगाया है। तो ये आंसर 114 तक का काम आपका सी तक का हो चुका है। अब आगे की तरफ देखिए। अब सब मैं बता दूंगा, एक डॉक्टर साहब से पूछ के बता दूंगा। 115 को आपको देखना होगा। 115 देखिए बेटा क्या है, द जिम्नोस्पर्म वुड आर कलेक्टिवली क्लासिफाइड एज सॉफ्ट वुड। सॉफ्ट वुड इट इज मेनली बिकॉज ऑफ, देखिए बेटा इसमें क्या होता, वेसल्स नहीं होती, लैकिंग वेसल्स, इसका ऑप्शन बी चला जाएगा। नॉन पोरस भी चीज वही है, तो नॉन पोरस कैसे होता है, उसके वो वेसल्स नहीं होती है। तो इसका बिल्कुल थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ये भी किया था आपका, और ये भी, ये दोनों चीजें सेम हो जाती हैं, लेकिन आपका इसमें सही बिल्कुल जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा। 115 का बी चला जाएगा बेटा, ठीक है, 115 का बी जाएगा। और आगे देखिए क्या है, द मेटल इन्वॉल्व इन स्टोमेटल रेगुलेशन, ये मैंने बाद में पढ़ाया था बेटा, स्टोमेटल रेगुलेशन देखिए आ गया था, ये आपका पोटेशियम आयन है, के आयन, ये स्टोमेटल रेगुलेशन में मदद करता है, के आयन, पोटेशियम आयन। तो आपका ये आप चला जाएगा 116 का क्या चला जाएगा बेटा, डी जाएगा। 115 का बी होगा बेटा सही, सी लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखिए क्या है, एग्जाम्पल ऑफ होलोकार्पिक, होलोकार्पिक मतलब बेटा होता है कि इंटायर थैलस कन्वर्टेड इनटू रिप्रोडक्टिव पार्ट, इंटायर थैलस, पूरा का पूरा थैलस रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाए, होलोकार्पिक है। तो होलोकार्पिक में आपका सिनकाइट्रियम है, ये होलोकार्पिक है। तो 117 का सी हो जाएगा बेटा। और हाउ मेनी टीथ आर फाउंड इन ईच ट्रांसवर्स रो ऑफ रेडुला ऑफ पाइला ग्लोबोसा, डॉक्टर साहब बताएंगे, मैं बता दूंगा इसको। पाइला ग्लोबोसा में 7 हुआ करते हैं, और फार्मूला इसका 2 1 1 2, ये फार्मूला, ये देखिए फार्मूला है पाइला, डेंटल फार्मूला इसको बोलते हैं। डेंटल फार्मूला आपका हो गया 2 1 1 1 2, 2 3 5 2 7, तो ये 7 हो गए, सी ऑप्शन 118 का सही हो गया। आगे देखिए बेटा इसमें है पॉलिनेशन, मैंने कहा था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पेसीज, वही देखिए है यहां कि डिफरेंट फ्लावर, ये आप देखिए डिफरेंट प्लांट है बेटा, डिफरेंट प्लांट और सेम स्पेसीज है, तो ये जेनोगैमी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका बेटा, जेनोगैमी। और लास्ट में देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली इंक्रीज ड्यूरिंग सेनेसेंस, सेनेसेंस में क्या बढ़ता है, ये तो क्लोरोफिल तो कम होता है ना, बुढ़ापा आता है, प्रोटीन भी कम होता है, फोटोसिंथेसिस भी कम होता है, और रेस्पिरेशन बढ़ता है। आप आदमी में भी देख लीजिए बेटा, जब आदमी मरने लगता है तो सांसें तेज तेज खींचने लगता है, तो उत्तर प्लांट में भी है, सेनेसेंस मींस बुढ़ापा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 120 का डी हो जाएगा बेटा।
इस तरह से सारे सवाल के जवाब हम दोनों भाइयों ने बता दिया, डॉक्टर सिन्हा सर और मैं खुद डॉक्टर सुमंत सिंह, सारे सवाल बता दिए बेटा। दिक्कत कहाँ है, एक सवाल में जो आपका यूलोथ्रिक्स में था उसमें हिप्नोस्पोर होना चाहिए, थिक वाल नॉन मोटाइल दिया नहीं। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है, अगर रॉबर्ट पैने को देखा जाता है, फूड वेब तीन प्रकार की होती है लेकिन कहीं दो प्रकार भी दिया बेटा। ये तीन प्रकार मैंने बिल्कुल देखा, रॉबर्ट पैने ने लिखा है, अब आयोग जो माने। तो कुल मिलाकर दो क्वेश्चन पर हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बाकी सारी चीजों को सही कर बता दिया जो है। तो 80 सवाल में 78 के बिल्कुल जवाब आपके पास है बेटा, दो में क्वेश्चन मार्क है, आयोग क्या मानता है अब उसको देखा जाएगा, ठीक है। आयोग जो मानेगा हम लोग बता देंगे। इसके अलावा देखिए बेटा, हमारा टीजीटी पीजीटी जीआईसी एलटी सारे के बैच जो है वो शुरू हो रहे हैं, एडमिशन प्रक्रिया चल रही है बेटा। कल कंटिन्यू हम शुरू करेंगे, कल टॉपिक कल से शुरू करेंगे बेटा। मंडे को मेरी क्लास होगी 4 से 6, अब फिर परसों सिन्हा सर की जो है मंगलवार को वो 5 से 7 क्लास होगी। तो कल से हम लोग आएंगे, अभी 3-4 दिन पब्लिक आएंगे बेटा। 1 तारीख को हम लोग, 1 तारीख से केवल वही पढ़ पाएगा जिसकी फीस जमा होगी बेटा। तो कल से, कल 4 बजे मैं आपसे फिर मिलूंगा। देखिए डॉक्टर साहब कुछ बताना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब से सुन लीजिए क्या है ये। चलेगा, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, हम आप सभी की सफलता की कामना करते हैं। और जो स्टूडेंट की कोई वजह हो गई है, पिछले एग्जामों में लगभग एग्जामों की प्रक्रियाएं लगभग समाप्त हैं, नई वैकेंसी आने का दौर एक शुरू हो गया है, इसलिए नए नए बैच शुरू करने के लिए है, तो जिसको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ वो नए बैच को तुरंत ज्वाइन करें। कोचिंग ने उनकी मदद के लिए फीस भी कुछ कम कर दी है, बहुत अच्छी बात है। आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया और कुछ प्रॉब्लम रह गई होंगी, उसको हम आने वाले बैचों में और अच्छा करेंगे, अब कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए ऐसी कोशिश करेंगे हम लोग। तो कोचिंग ने कुछ नंबर आपके लिए दिए हैं, जैसे कि नंबर है ये, आप देख लीजिए नंबर, हम आपको बता दें, ये नंबर है आपके 9628959237। एक और नंबर है 8318489291। ये दो नंबर हैं, दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं, दोनों कॉलिंग नंबर हैं, ये स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नंबर हैं। तो प्लीज आप लोग इन नंबरों को नोट कर लेंगे, फीस से संबंधित, क्लास से संबंधित, टाइम से संबंधित किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज इन नंबरों पर बात करें और अपनी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। और आपकी बहुत बहुत एग्जाम में सफलता के लिए हम लोग शुभकामनाएं करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नंबर नोट करें और जिनको प्रॉब्लम है वो नया बैच ज्वाइन करें और जिनके फ्रेंड्स हैं उनको क्लास कराएं जब तक आपकी पब्लिक क्लास जा रही है, कुछ टाइम के बाद फिर जो एनरोल्ड स्टूडेंट है उन्हीं को क्लास मिलेगी, कुछ दिन पब्लिक है, आप आइए, अपने फ्रेंड्स को बुलाइए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बच्चों देखिए, हम लोगों ने, डॉक्टर सिन्हा सर ने, मैंने, दोनों लोगों ने मिलकर के आंसर की बिल्कुल सही बताया बेटा। लेकिन अगर कोई सवाल, एक दो सवाल मैच नहीं करते आयोग से तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं आपसे पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ बेटा कि कोई गलती अगर हो गई हो तो मैं माफी आपसे मांग लेता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा बेटा एक चीज और, अमित, इसमें एक बच्चा अमित कुमार जीआईसी के लिए पूछ रहे हैं, मेंस के लिए, बेटा उसको देखेंगे अभी। वैसे जो जिन बच्चों को हमने पढ़ाया बेटा वो शुरू में हम एज ए मेंस पढ़ा देते हैं बेटा, पूरा लिखवा दिया है डिटेल, लेकिन कुछ देखेंगे बच्चों को मदद करेंगे तो आपको बताया जाएगा। फिलहाल एलटी का, टीजीटी पीजीटी जीआईसी का नया बैच वो शुरू हो गया बेटा, इंट्रोडक्टरी चल रहा है, कल भी वो क्लास मेरी 4 बजे से रहेगी बॉटनी की, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को बॉटनी चलेगी, ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे को जूलॉजी चलेगी, तो डेली क्लास होगी बेटा जी। तो इसलिए हम मेंस वाला देखेंगे, अभी हम कुछ क्लियर उसके लिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने सारे बच्चों को सब पढ़ा दिया है, ठीक है। और इसके अलावा हम आपको बता दें बेटा कि जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके फी के लिए बहुत ही हम लोग विशेष रियायत दी है, नए बच्चे की फीस अलग है और पुराने बच्चों की जो हमसे पढ़े उनकी फीस अलग है,
आप लोग जान लीजिए बेटा, फिर भी किसी को दिक्कत है तो आप ये नंबर पर संपर्क करिएगा, और अगर मान लीजिए नहीं मिलता है तो सुमन सर तो हैं ही, उनके नंबर पर बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें मैंने बता दिया बेटा, और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपकी, ठीक है बेटा जी। तो ओके बेटा जी, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू बेटा जी।